नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या फिर यूं कह लीजिए सत्ता का नया केंद्र वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का हम ओवरव्यू देखते हैं। तो ये चैप्टर हमें ये कहता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद ऐसा लगा कि अब अमेरिका दादा की तरह व्यवहार करेगा, यानी जब सोवियत संघ हमारा टूट गया तो पूरे वर्ल्ड ने यह मान लिया था कि जो अमेरिका है अब वो पूरी तरीके से दादा की तरह यानी अपनी मन मर्जी चलाएगा, जो अमेरिका को सही लगता है वो करेगा, क्योंकि अब सोवियत संघ इसको टक्कर देने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ने अमेरिका के व्यवहार को सीमित रखा, क्योंकि जो सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र है उसने अमेरिका के इस रुतबे को, इस व्यवहार को उसने सीमित रखा। अब ये सत्ता का वैकल्पिक केंद्र क्या होता है? सत्ता का वैकल्पिक केंद्र का मतलब यहाँ पर है कि अलग अलग जो छोटी मोटी पावर्स है, जो अमेरिकी जितनी ताकतवर तो नहीं है लेकिन है, जो इसको अमेरिका को टक्कर कहीं ना कहीं दे सकती है, उन छोटी छोटी पावर्स ने क्या किया, अमेरिका को रोक कर रखा, अमेरिका को दादा की तरह बर्ताव करने से रोका। इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में आशियान के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम यूरोपीय संघ के बारे में स्टडी करेंगे, आशियान के बारे में स्टडी करेंगे, चीन की अर्थव्यवस्था और उसके प्रभाव को जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो चीन है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं दुनिया पर, कुछ और सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों पर नजर डालेंगे और भी हम जानेंगे कि भाई जो सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र है क्या और भी कोई हो सकता है, यानी और भी कोई छोटी मोटी पावर्स है जो अमेरिका को टक्कर दे सकती है। भारत और चीन के संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार चाइना का भारत से किस तरीके का रिलेशन है, जो कि अब आपके जो चैप्टर में नया जोड़ा गया है, इस चैप्टर के अंदर जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अंदर हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिक्स क्या है, जो संगठन है इसके बारे में, रशिया के बारे में पढ़ेंगे, रूस के बारे में पढ़ेंगे, भारत के बारे में और इसराइल के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लोग क्या है, यानी रूस की भूमिका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में क्या है, भारत की भूमिका और इसराइल की भूमिका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अंदर, फिर नए केंद्र के अंदर क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से आप पढ़ना चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए।